हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नदीम मोटर सेंटर। आज हमारे पास पैशन प्रो आई है, इसके हमें ब्रेक शू डालने हैं। पिछले ये ब्रेक शू हमारे पास, अब आपको हम बताते हैं क्या क्या खुलेगा। पिछले टायर के ब्रेक शू हैं, पहले तो ये मैन बोल्ट खुलेगा इसका पहिए का, इसको हम खोल लेते हैं ज़रा तेज़ी में। और यहाँ पर हमारा ये पहिए का बोल्ट खुल चुका है, इसके नीचे ड्रम प्लेट का बोल्ट होता है, आपको दिखा दूँ मैं, ये बोल्ट खुलता है। तो एक्सल को बाहर कर लेना है आपको सबसे पहले। और ये एक्सल बाहर, ये पहिया आपका निकल गया। पहिया बाहर कर लेना है। और ये हमारे ब्रेक शू, उसे कैसे ऐड करते हैं आप देख लीजिए। और ये हमारे ब्रेक शू, इसमें एक स्प्रिंग ये टूटी हुई है, निकाल स्प्रिंग, देख ये स्प्रिंग नहीं ले ले आप अपने पास से, निकालो। ये ब्रेक शू हमारे लग गए हैं, तेल डाल लें यहाँ पे, और यहाँ पे तेल जरूर डाल दिया करें, एक एक यहाँ पे तेल डालना बहुत जरूरी होता है। बस फिर इसको कपड़े से साफ कर लें जो उसकी साइडों में गिर गया है। और ये ब्रेक शू, ये ब्रेक शू लगते हैं, और ड्रम में रेग माल जरूर मार लें क्योंकि इस पर कार्बन लगा रहता है पुराने ब्रेक शू का, जैसे इसका कार्बन लगा रहेगा यहाँ पे रेग माल मार दें। और ये रेग माल लग चुका है, ध्यान रखें इसकी रबड़ भी लगा लें आप। ये पहिया फिट होने जा रहा है, पहिये का मैन एक्सल है आपका। ठोक ले थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पे ये एक भोगली होती है, भोगली दिखाओ, ये भोगली होती है, इसका जरूर ध्यान रखें, ये लगाना बहुत जरूरी है। ये इसकी पत्ती होती है चैन टाइट करने वाली, ये भी लगा लें, फिर इसका बोल्ट टाइट कर दें आप, जैसे खोला था वैसे ही बोल्ट को लगा लें वापस। लगाने के बाद ये प्लेट है, ये आपकी इसका नीचे बोल्ट होता है, वो भी लगाएं, मैं आपको दिखा देता हूँ, बोल्ट होता है इसका, ये बोल्ट लगा दिया आपने, एक रबड़ होगी यहाँ पे, बोल्ट को टाइट करते हैं।
इसकी ब्रेक का सिस्टम है, ये इसका ब्रेक का सिस्टम है, ये यहाँ पे लगेगा, ये भी आपको दिखा देते हैं। इसमें एक भोगली होती है गोल सी, ये भोगली होती है, और एक ये स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग इसमें जाएगा रोड में, और ये भोगली यहाँ पे लगेगी, और ये सब टाइट हो जाएंगे ब्रेक आपके, जितना इसको टाइट करेंगे उतने ही ब्रेक टाइट हो जाएंगे आपके। ये हमारे ब्रेक शू डल चुके हैं, वापस पहिए का बोल दिए टाइट कर दे, जो आपने खोला था उस बोल्ट को टाइट कर दे। टाइट कर देता हूँ मैं तेजी, ये आपका एक्सल का बोल्ट टाइट हो रहा है, टाइट वहाँ से भी कर सकते हैं, उस तरफ से देख सकते हैं, यहाँ से पकड़ लें और वहाँ से टाइट भी कर सकते हैं आप। और यहाँ से भी टाइट कर सकते हैं जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में। ये हमारे ब्रेक शू डल चुके हैं।